दोस्तों स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज हम जाएंगे जयपुर के अंदर गलता जी की पहाड़ियाँ, और वहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है और एक कुंड भी है काफ़ी प्राचीन, जो गल्व ऋषि की तपोभूमि है। तो प्राचीन काल में ही ऐसा माना गया है कि जो गलता जी के अंदर जो जल है, जो पानी है सरोवर का, वो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा। और अभी इस वक्त हम लोग हैं विद्याधर नगर में और हम लोग जाएंगे गलता जी, जो कि आगरा रोड पर है। दोस्तों अभी हम लोग MI रोड एरिया क्रॉस कर रहे हैं और हमारे सामने है जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध 5 बत्ती चौराहा। और मुझे लगता है कि अगले 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे गलता जी। दोस्तों हम लोग पुराने आगरा रोड पर पहुंच चुके हैं और ये घाट की गुनी एरिया है और कुछ ही दिनों ये सामने गलता से संबंधित पहाड़ियां दिख रही है और ये सिसोदिया रानियों का बाग वाला एरिया शुरू हो चुका है और ये पुराना आगरा रोड है, जयपुर आगरा हाईवे। ये देखिए सिसोदिया रानी का बाग वाला एरिया, और यहाँ का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर, पहाड़ों पे हरियाली है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, उसके इम्पैक्ट से अच्छी बारिश हुई है जयपुर एरिया में, जिस वजह से पहाड़ों पर काफ़ी हरियाली दिख रही है। और जो जयपुर शहर के आर्किटेक्ट रहे हैं विद्याधर जी, ये उनका बाग है, विद्याधर का बाग। और ये देखिए ये हमारा ये स्ट्रक्चर, यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और ये बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नज़ारा, राजस्थान का टिपिकल आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को। और यहाँ से हमें लेफ्ट होना है गलता जी जाने के लिए। और ये सिसोदिया रानी का बाग, घाट की कुनी, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। ये रानी विलास, ये जो पहाड़ियों में जो जंगल दिख रहा है आपको, ये भी एक सेंचुरी एरिया है और यहाँ अच्छी खासी संख्या में वाइल्ड लाइफ है। देखिए ये सिसोदिया रानी का बाग से गलता जी का जो सफ़र है, जो सड़क है, रोड, ये इतना खूबसूरत, दोनों तरफ जंगल और बीच से सड़क। ये कोई छोटी सी गांव है, ये गांव वालों का घर है। और हमारे इस गलता जी के सफ़र में हमारे साथ रजनीश भाई भी आए हैं नोएडा से, दिल्ली से, ये कल ही आए थे मेरे पास जयपुर में।
तो इनके साथ ही आज घूमने फिरने का, मौसम भी बहुत प्यारा है आज, तो इनको मैंने सोचा गलता जी आज घुमाया जाए। और रजनी जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं कई बार जयपुर आया लेकिन अभी तक गया नहीं था। ये कलता जी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा फॉरेनर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। बिल्कुल शांत एरिया है पहाड़ों और जंगलों के बीच में। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ गलता की, कितनी हरियाली। और हमारे रजनीश जी उधर जंगल में वॉक कर कर आ रहे हैं। ये सैंक्चुरी एरिया है। ये वन विभाग वालों ने एक बोर्ड लगा रखा है कि वन्य जीवों को खाद्य पदार्थ ना डालें। और यहाँ पर आपको कई बार आपको हिरन, सांभर, नीलगाय आपको खड़े दिख जाएंगे या इन मैदानों पे घास चढ़ते हुए। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि जब भी आप जयपुर आए, कभी टूर प्लान करें जयपुर का, तो अपने इटिनरी में गलता जी को ज़रूर शामिल करें। और रजनीश जी थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। ये देखिए आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व, यहाँ लेपर्ड सफारी होती है जिप्सी में। और ये शायद गेट अभी इनका मॉर्निंग और इवनिंग का एक स्पेसिफिक टाइम है, अभी इस वक्त तो बंद है। और यहाँ अच्छे खासे संख्या में पैंथर हैं, लेपर्ड्स हैं यहाँ पर। और इसका मेन व्यू भी आमागढ़ लेपर्ड सेंचुरी का मैं आगे से दिखाऊंगा आपको। और ये एक विपश्यना केंद्र है जयपुर में, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी एक दो बार आ चुके हैं यहाँ पर। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। आज ऐसा लग रहा है शायद आज बारिश हो जाए। ये सामने बैरियर है, गलता जी का पार्किंग चार्जेस यहाँ पे करना होता है। पार्किंग चार्जेस जो मेरे ख्याल में अभी पता चल जाएगा 30 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ है। ये कितना है चार्जेस? 30। चलिए, ये राजस्थान में छत्रियाँ इनको बोलते हैं और लोग अपने पूर्वजों की सम्मान में उनकी समाधि एक तरीके से। और यहाँ पर आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पकौड़े, कचौड़ी इनकी दुकानें भी मिल जाएंगी। और पहले हम लोग गाड़ी को पार्किंग में लगा लेते हैं।
कि हम लोग गलता जी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब हम धीरे धीरे जाएंगे कुंडी की तरफ, सरोवर की तरफ। बहुत ही मनोरम नज़ारा। रजनीश जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है ना, पूरे प्रकृति की गोद में। ये प्राचीन मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। दोस्तों आज कोई बंदर यहाँ दिख नहीं रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मली यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में आपको बंदर मिलेंगे और इनको फॉरेनर्स गलता टेंपल के साथ साथ मंकी टेंपल भी बोलते हैं। ये देखिए पहाड़ों से वो एक गौमुख बना हुआ है और उसमें से पानी निरंतर गिरता है और ये कुदरती नेचुरल पानी है, उसी से ये सरोवर भरा हुआ रहता है। खूबसूरत नज़ारा। रजनीश भाई लगता है थक चुके, ठंडी हवा। दोस्तों हम लोग गलता जी से निकल चुके हैं और ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी का ये मेन गेट है, बिल्कुल जो गलता जी के बिल्कुल करीब में है, मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर। तो यहाँ आप आए तो लेपर्ड सफारी का भी आनंद ले सकते हैं और इस जंगल में हाइनास भी हैं, लेपर्ड भी और दूसरे मैमल्स भी हैं, एंटीलॉप्स भी हैं खूब सारे। मैं आपको एक बार गाड़ी से बाहर आकर दिखा दूँ। ये है आमागढ़ लेपर्ड सफारी का प्रवेश द्वार, जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग सफारी होती है।